हाय, मेरा नाम है रोथर, रोथर जेलिस इज माय नेम। तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम हर चीज को कवर करेंगे, राइट? एग्जैक्टली आज हम लेके आए हैं हमारा जो टॉपिक है, 12th के बाद ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जो आप कर सकते हो और आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। तो सबसे पहले सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई मुझे पहले ये तो बताओ कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है, या मुझे कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है। तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम हर टॉपिक को अलग अलग कवर कर रहे हैं। सपोज आपको मेडिकल में जाना है तो आज हम बात करेंगे मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल में जो बंदे भी जाना चाहते हैं जिन्होंने बायो लिया, ऐसे बंदे जो 12th में है या कर चुके हैं या 10th में है या 11th में और आप बायो लेने का प्लान कर रहे हो, तो पहले जान लो ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि मुझे लेना क्या चाहिए 10th। तो ये सभी के लिए यूजफुल होगा, 10th 12th 11th की वालों के लिए, और अगर आप कर भी चुके हो 12th तो भी, ताकि आप अपना करियर के बेटर ऑप्शन चूज करो। करना ये है कि नीचे जाके कमेंट करना है, पूछना है एग्जैक्टली किस बारे में जानना चाहते हो और हम आपको बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्टअप मेडिकल कवर करें। मेडिकल में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेडिकल में ना, जो हर बंदा चाहता है बनना एक एमबीबीएस डॉक्टर, और यहाँ पर लगते हैं इसके लिए 70-80 लाख, मतलब फीस जाती है 1 CR में भी, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू ये जो नीट होता है उसको क्रैक कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल एडमिशन मिल जाता है 30-40-50 हज़ार की फीस में। सो अब इसके बारे में भी हम डेप्थ इंफॉर्मेशन में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या बना जाता है, इसके बाद इसमें आप कर क्या सकते हो, कैसे लिया जाता है। लेकिन आज पहले हम जान लेते हैं कि मेडिकल में कौन कौन से करियर के ऑप्शन। 5 साल का होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स है मेडिकल लेबोरेटरी भी कर सकते हैं, जो बीएससी ये भी मेडिकल के अंतर्गत आता है। मेडिसिन ये जो है आपने सुना होगा, एक डॉक्टर होता है, होम्योपैथी डॉक्टर है, आयुर्वेदी डॉक्टर है या फिर यूनानी डॉक्टर है, जी हम उसी को बोलते हैं BHMS, मतलब हो गया होम्योपैथी डॉक्टर, BAMS हो गया आयुर्वेद का डॉक्टर, और यहाँ पर BUMS हो गया यूनानी डॉक्टर। सो ये डॉक्टर के बाद ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप में डॉक्टर कहला सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है MBBS में, सो डॉक्टर बनना चाहते हो तो बेटर ऑप्शन ये है, आप यहाँ से कर सकते हो। इनके भी एग्जाम्स होते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटियां भी हैं। डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना ना भूलें। डिप्लोमा मेडिसिन इन सर्जरी में आप कर सकते हो, होम्योपैथी मेडिसिन इन सर्जरी जिसे मैंने भी आपको बताया, बीएससी भी अगर करना चाहो मेडिकल में, मैं वादा कर रहा हूँ आपको, मैं बता दूं पहले ये चीज, अगर आप बीएससी भी करना चाह रहे हो ना मेरे भाई, 50 से ज्यादा, इवन मैं आपको 50 से ज्यादा बता दूंगा कि बीएससी भी होती है इसके, जिस तरीके से इसके सेगमेंट है, तो आप सोचो कि कितना फैला हुआ वाइड है ये डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेडिकल मतलब MBBS या फार्मेसी या फिर BAMS, BHMS, बहुत कुछ है यहाँ पर। चलिए राइट, सो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT, लैब टेक्नीशियन, आपने नाम सुना होगा BMLT, BMLT सब कुछ इसी में आता है। डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप, डिप्लोमा के बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप इनमें कर सकते हो, राइट? वो मास्टर तो होते ही होंगे, लेकिन मास्टर के लिए अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर के लिए बच्चा इतना कंफ्यूज नहीं होता है जितना बैचलर और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए होता है। जैसे हम देख रहे हैं बैचलर बीएससी इन ऑनर्स इन फिजियोलॉजी, BOT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो मेडिकल में, अगर 12th में आपने बायो लिया तो ये सब कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इसके बाद है रेनल डायलिसिस और बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है। सिर्फ अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी के मैंने जो मेन ऑप्शन से जो बच्चों को जानना थे उन्हें वही दिए। अब आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ऑडियोलॉजी एंड स्पीच में, ये भी अंतर्गत आता है मेडिकल डिपार्टमेंट के। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से आपको समझ रहे होंगे, और इंडस्ट्रियल से भी, क्योंकि अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जानी है अगर मुझे इसके डेप्थ इन्फॉर्मेशन में जाना है, बट हम इन सब की डेप्थ इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और आपको बताएंगे। डायलिसिस, इससे भी आप बीएससी कर सकते हो। रिस्पायरेटरी थेरेपी, यू नो, सो इन सब में ये सारे कोर्सेज करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप जॉब पा सकते हो मेरे भाई। तो ये जानना पहले जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि 1 साल का 2 साल का कोर्स बड़ा यूजफुल होता है राधर देन एक डिग्री करने का। सो मेडिसिन एंड सर्जरी में भी आप कर सकते हो, मैंने पहले बताया था आपको, इमेजिंग टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, रेडियोलॉजी में कर सकते हो, पैथोलॉजी में कर सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कर सकते हो, पैथोलॉजी, आप यू नो, ये सारी फील्ड ना मेडिकल से रिलेटेड है। ऑडियोलॉजी में भी कर सकते हो, तो ये तो था मेडिकल से रिलेटेड, लेकिन इसमें फार्मेसी भी आता है। फार्मेसी क्या होता है, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, असल में यहाँ पर आपको सिखाया जाता है दवाई बनाने का काम, और यहाँ जो क्लिनिक ये आप देखते हैं मेडिकल स्टोर वगैरह देखते हैं, इसके लिए लाइसेंस होता है। लाइसेंस किसको मिलता है, फार्मासिस्ट को, कि अगर आप भैया फार्मासिस्ट हो तभी मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। तो फार्मासिस्ट
सिटीजन अगर आप बन गए तो भूखे नहीं मरोगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बाहर अगर हम जाएं अब्रॉड में तो डॉक्टर सिर्फ बीमारी का नाम बताता है, फार्मासिस्ट ही उसका कॉम्बिनेशन देता है कि इसको कौन सी दवाएं चाहिए, यहाँ प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ वहां पर प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है फार्मासिस्ट, डॉक्टर को अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा उल्टा होता है, डॉक्टर ही लिख देता है। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा रोल है फार्मासिस्ट का। तो बहुत अच्छा ऑप्शन से अगर आप MBBS नहीं कर पा रहे हो और BDS MBBS के बाद मुझे लगता है कि फार्मेसी वॉक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन से आपको करना चाहिए। अब अगर हम चाहे पैरामेडिकल में तो बैचलर ऑफ साइंस BSc नर्सिंग कर सकते हो, स्पेसिस गर्ल्स जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए भी ऑप्शन है। और BSc नर्सिंग यहाँ पर बॉयज भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें करियर के ऑप्शन मिल जाते हैं, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में सारे हॉस्पिटल में इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, सो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, सो ये क्या होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट डिटेल में जाएंगे। नर्सिंग भी तीन तरह से होता है, मैं भी आपको ये भी बता दूं, 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है, अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए गए हैं, 2 साल का भी आप जैसे देख रहे हैं। सो ये सारे नर्सिंग के पार्ट है। ओके, सो गायनेकोलॉजी से आप समझ गए होंगे, और ये जो एग्जैक्टली है ये मुझे पता है यार, देखो अभी आपके अंदर डाउट आएंगे एग्जैक्टली इसके फायदे क्या है, मोस्टली ये गर्ल्स करें तो बेटर है। सो हम इसका एक एक सेगमेंट बनाएंगे, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, इसके फायदे क्या है, कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, और आप कहाँ कितने का पैकेज ले सकते हो। तो इसके लिए बने रहना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन जरूर दबाना होगा। ऑप्टोमेट्री, यहाँ पर भी आप बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, और यहाँ पर अलग अलग डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, ओके, जिनको आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हैं, बैचलर डिग्री भी कर सकते हो आप, डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी भी कर सकते हो, स्किन से रिलेटेड चीजों के लिए, BSc कार्डिक टेक्नोलॉजी, यू नो हार्ट से रखते हो, यहाँ पर आप समझ रहे हो मेडिकल में भी या एक सेगमेंट में भी इतना सारा स्कोप है, मतलब यहाँ इतने सारे कोर्सेज हैं। पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस जगह, उसके लिए भी हमारे पास तोड़े कि हमने बनाया एक टूल जिस पे आपको जाके आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, 100 सवाल जवाब, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम आपको बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। होगी ये फ्री एडवाइस, लेना है तो लीजिए, अदरवाइज वापस। सो आप पहले आप अपना इंटरेस्ट जानिए, सबसे पहले जानना जरूरी है यार कि हमें करना क्या है, करियर के ऑप्शंस क्या क्या। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मेरे पास करियर के ऑप्शंस कौन कौन से, भाई आप कभी नहीं कर पाओगे, राइट। सो सबसे पहले ये जानिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, BSc एंड फिजिशियन असिस्टेंट। सो ये भी जैसे आप समझ रहे हैं, यू नो कार्डियोवास्कुलर में, नर्सिंग में, हर चीज में दिया है, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी में दिया है, न्यूक्लियर मेडिसिन में BSc आप कर सकते हो, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, DMLT, BMLT, यू नो PPMT, सो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, जिसको हम BSc नर्सिंग आप कर सकते हो इसमें। नर्सिंग भी मैंने आपको बताया था कई तरह से होती है, कई लोगों को तो सिर्फ ये पता होता है नर्सिंग मतलब BSc नर्सिंग, दैट्स इट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम डिटेल इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। कमेंट जरूर करें यार कि किसके बारे में जानना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट जोन किस में है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको बताना क्या है मेरे भाई। तो डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, ये सारी चीजें हैं। तो अब हम एजुकेशन का नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 22 पार्टों में इसको बांटा हुआ है, भले वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, या फिर वो मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, डिजाइनिंग, हर तरह के बारे में आपको बताया जाएगा कि अगर डिजाइन करना चाहते हो तो कितने करियर के ऑप्शन है। इसके लिए बने रहिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, ऐसे लोग जो 10th में 12th में या कर रहे हैं, तो तमाम लोगों को बताइए। और यू नो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट अगेन अगर आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, भले वो करियर से हो या कोर्सेज से हो, और होनी भी चाहिए, बिकॉज यू नो करियर एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है, हर स्टूडेंट की प्रोफाइल, इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से चीजें वेरी करती है, तो उसके लिए एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ask.collegekhabri.com, जिसपे जाके आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको आपके प्रोफाइल और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन गाइड करेगा और आपके जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब देगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।